किसी ने क्या खूब कहा है, जहां प्यार जताना पड़े वहां प्यार कहां। प्यार तो एक एहसास है जो एक दिल से सीधे दूसरे दिल तक पहुंचता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि अपनों के प्यार की कोई कीमत नहीं होती, उसे किसी चीज है या तोहफा के रूप में नहीं देखना चाहिए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है सबसे बड़ा तोहफा। रमेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। खर्चे बहुत थे और वो अक्सर पैसों की तंगी को लेकर परेशान रहता था। एक दिन जब वो काम से लौटा तो उसने देखा कि एक बड़ा सा डिब्बा गिफ्ट पैक करके अलमारी पर रखा हुआ है। अरे सुनती हो, ये गिफ्ट किसके लिए रखा है? क्या जरूरत है किसी को इतना बड़ा गिफ्ट देने की? रमेश ऊंची आवाज में बोला। पापा, ये गिफ्ट मैंने तैयार किया है, रमेश की 4 साल की बेटी गुड़िया ने अपनी तोतली आवाज में कहा। यह सुनकर रमेश और भी क्रोधित हो गया और बोला, आज के बाद से बिना मुझसे पूछे तुम किसी को कोई गिफ्ट नहीं दोगी, चलो भागो यहां से। रमेश की डांट सुनकर गुड़िया रोते हुए कमरे से भागी। अगले दिन जब रमेश ऑफिस के लिए निकलने वाला था कि तभी उसकी नजर उस गिफ्ट पर पड़ी। उस पर लिखा था, आई लव यू पापा। अब रमेश अपने कल की हरकत पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने फौरन डिब्बा खोला कि देखें गुड़िया ने उसे क्या दिया है, पर यह क्या, डिब्बा खाली था। अब एक बार फिर रमेश गुस्से से भर गया। सुनो गुड़िया, इधर आओ, ये क्या मजाक है? क्या तुम जानती नहीं कि जब भी हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो अंदर कुछ होना चाहिए? किसी को खाली बॉक्स गिफ्ट में देते हैं क्या? नन्ही गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए और वे रोते रोते बोली, पापा ये बिल्कुल खाली नहीं है, मैंने इसमें ढेर सारे किश डाले हैं, ये छब आपके लिए है पापा। अब पापा की आंख में आंसू थे। उन्होंने अपनी बेटी को बाहों में ले लिया और उससे माफी मांगने लगे। एक बार फिर बाप और बेटी दोनों प्रेम के सागर में गोते लगाने लगे। दोस्तों, प्यार ही इस जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है, इसकी कोई कीमत नहीं, फिर भी ये सबसे कीमती है। लेकिन हम मनुष्य इस भौतिकवादी सांसारिक जीवन में इतने उलझे हुए रहते हैं कि प्रेम स्नेह वात्सल्य के महत्व की ओर ध्यान ही नहीं देते। चलिए, इस कहानी से सीख लेते हुए हम अपने प्रियजनों के लिए समय निकालें, उनसे प्रेम करें और उन्हें भी ये सबसे कीमती तोहफा दें। और इसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करनी पड़ेगी। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी प्रत्येक सुबह 5:30 बजे आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।